नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। गायत्री और महिमा भी इस बुलेटिन में मेरे साथ मौजूद है। और इस वक्त आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजगीर, जहां नालंदा विश्वविद्यालय वहां है। नालंदा विश्वविद्यालय का वो प्राचीन परिसर, वो अवशेष इस वक्त प्रधानमंत्री देख रहे हैं जो इसकी विरासत को बयां करते हैं। आज एक तरह से कहें नए अध्याय की शिक्षा जगत में शुरुआत होगी उस नए परिसर के साथ, जो थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समर्पित करेंगे देश को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नालंदा की एक विशेष पहचान रही भारत के शिक्षा को लेकर। उस दृष्टिकोण को नालंदा हमेशा ही वैश्विक पटल पर आगे बढ़ाता रहा। सोचिए, दुनिया का पहला ऐसा विश्वविद्यालय जहां पर आवासीय परिसर की सुविधा थी, यानी जो स्टूडेंट थे, टीचर्स थे, वो साथ में रहते थे। वो जो सोच थी वो कहां से शुरू हुई थी? वो नालंदा से शुरू हुई थी। तो नालंदा अपने आप में उस इतिहास को समेटे हुए है जिसको आज पुनर्जीवित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उस नए परिसर के जरिए, जो थोड़ी देर में सौंपा जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा। लेकिन उसके पहले उन तमाम विशेषों को जो नालंदा की कहानी को बयां करती है, उसको प्रधानमंत्री देख रहे हैं। ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि वहां पर जो प्रोफेसर टीचर रहे हैं उनसे उन बारीकियों को समझ भी रहे हैं। बिल्कुल। तो ये यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई, कौन कौन से देशों का इसमें सहयोग रहा, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और बड़ी बात देखिए, आज 17 देशों के राजदूत भी इस दौरान शामिल रहने जा रहे हैं। ये भग्नावशेष की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी मौजूद है, प्राचीन परिसर को देख रहे हैं, समझ रहे हैं वहां का, अवलोकन करें। और आपसे थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नए कैंपस का उद्घाटन भी किया जाएगा। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो बिहार दौरा है लोकसभा चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के बाद, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सब लोग। कहीं ना कहीं आज खुशी से पूरा देशवासी अपने ज्ञान के सबसे पवित्र मंदिर नालंदा विश्वविद्यालय का लोकार्पण देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये वही धरती था जिस धरती से पूरे देश को ज्ञान जाता था। पूरे देश के यहाँ पर विद्यार्थी आकर के पढ़ते थे, अपने विज्ञान का, ज्ञान का, चिकित्सा पद्धति का, अपने भौगोलिक शास्त्र के ज्ञान को प्राप्त करते थे। बख्तियार खिलजी जैसा ऐसे नकारात्मक मानसिकता के लोग जो पूरे विश्वविद्यालय को जलाने का काम किया, 3 महीने तक जलते रहा यह विश्वविद्यालय। और ऐसे लोगों के पाप के कारण आज मानवता का कहीं ना कहीं अंधकारमय वातावरण बनना और फिर से उसका पुनर्जागरण, हमारे सांस्कृतिक विरासत को फिर से 21वीं सदी का भारत के सपना को साकार, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मौजूदगी में इनके करकमलों से ये पूरे बिहार को गौरवान्वित कर रहा है। पूरा राष्ट्र आज गौरवान्वित है और आज का दिवस बड़ा ऐतिहासिक है। सर, एक और सवाल थोड़ा इस विषय से हटकर, जो अभी हमने हाल ही में